इंडिया क्रिकेट टीम की धोनी कही जाने वाली सारा टेलर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अपने अलग खेल और अलग स्किल्स के लिए पहचानी जाने वाली सारा टेलर ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते क्रिकेट को अलविदा कहा है। 30 साल की सारा ने 2006 में डेब्यू किया था। 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली सारा तब से नियमित रूप से टीम का हिस्सा रही हैं और उनका नाम सबसे सफल विकेटकीपर बल्लेबाजों में शामिल है। आपको बता दें, वो लंबे समय से डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रही थी, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए काफी मुश्किल फैसला रहा, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे और मेरे स्वास्थ्य के लिए सही फैसला है। मैं अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों को, ECB को, फैंस को और दोस्तों को शुक्रिया कहती हूँ। इंग्लैंड के लिए खेलना और इतने साल तक ये जर्सी पहनना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है। सारा के नाम कई रिकॉर्ड। अगर सारा के करियर की बात करें तो उनका नाम दुनिया के सबसे सफल विकेटकीपर बल्लेबाजों में शामिल है। सारा ने अपने करियर में महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 104 स्टंपिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वहीं उन्होंने सबसे ज्यादा 232 डिसमिसल भी लिए हैं। अपने इन शानदार रिकॉर्ड्स के अलावा टेलर विकेटकीपिंग में अपने अलग स्टाइल और स्किल के कारण भी जानी जाती हैं। सिर्फ विकेट कीपिंग में ही नहीं, सारा ने बल्ले से भी कई रिकॉर्ड कायम किए। अपने 13 साल के करियर में सारा ने 6,533 रन बनाए और वो इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर है। सारा ने साल 2009 में T20 वर्ल्ड कप और साल 2017 में अपने घर पर भारत को मात देकर इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर धोनी से सारा की तुलना की जाए तो महिला क्रिकेट में सारा टेलर ठीक उसी तरह अपना दबदबा रखती हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी। वनडे फॉर्मेट में सारा टेलर ने 87 कैच लिए हैं और 51 स्टंपिंग्स की हैं। वहीं धोनी ने 350 मैचों में 321 कैच और 123 स्टंपिंग की हैं। T20 क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टंप करने वाले क्रिकेटर सारा टेलर ही हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान 51 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया। वहीं पुरुष विकेटकीपर में T20 में सबसे ज्यादा स्टंप करने वाले क्रिकेटर धोनी हैं, जिन्होंने 34 शिकार किए हैं। आपको बता दें कि सारा टेलर लंबे समय से एंग्जाइटी के कारण परेशान थी, जिसका असर उनके खेल पर दिख रहा था, जिसके कारण उन्होंने खेल छोड़ने का फैसला किया है।